फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैसेल दीपेंद्र खत्रे, क्राउन डायरेक्टर। वेलकम टू माय चैनल वेस्टीज विजय पथ। आज वेस्टीज विजय पथ के अंदर एक विषय के ऊपर, एक समस्या जिससे आज हर व्यक्ति सर्वाधिक तनावग्रस्त है, उस समस्या का नाम है कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत। इसके बारे में चर्चा करें उससे पहले, अगर आपने अब तक वेस्टीज विजय पथ को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो को पूरा देख करके अगर अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, और अपने साथियों के बीच में इसे शेयर करें, क्योंकि इस समय से आजकल हर व्यक्ति परेशान है, ताकि उसको एक थोड़ा सा आशा की किरण दिखाई पड़े। फ्रेंड्स, कब्ज़ पाचन तंत्र की उस समस्या को कहते हैं जहां व्यक्ति के मल शक्त और सूखा हो जाता है, और उसके वजह से उसे मल त्याग करने में कठिनाई होता है, के पेट में सूखा मल चिपक कर रह जाता है, और इसे ही कब्जियत कहते हैं। सामान्यतः एक स्वस्थ व्यक्ति के द्वारा दिन में एक या दो बार मल त्याग करना एक सामान्य प्रक्रिया, अथवा सप्ताह में 7 से 12 बार मल त्याग करना एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन सप्ताह में 7 से कम बार अगर मल त्याग हो रहा है तो समझ जाना चाहिए कि कब्जियत की शुरुआत हो गई है। कब्ज़ होता है तो खाया हुआ खाना ठीक से पचता नहीं है, मल आंतों में चिपक रह जाता है, जिसके चलते लगातार शरीर में गैस बनने लगता है, और शौच के लिए व्यक्ति गोलियां खाने लग जाता है, और जिसके चलते आगे बहुत ही समस्या उत्पन्न हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन होने का प्रमुख कारण हमारे खाना में फाइबर तथा रेशेदार भोजन का न होना, खाना उचित मात्रा में न लेना, और दिन भर में पर्याप्त पानी का सेवन न करना, शारीरिक गतिविधियों के अभाव अर्थात शारीरिक मेहनत और कसरत न करना, समय में खाना न खाना, छोटी मोटी दर्द या समस्याओं में औषधि का सेवन करना, थायराइड की समस्या, शरीर में कैल्शियम पोटेशियम की कमी, चाय कॉफ़ी धूम्रपान शराब आदि का अत्यधिक सेवन करना, मैदाजन्य तथा गरिष्ठ भोजन जो पचने में समय लगता है का सेवन करना, भूख से पहले खाना खाना और ज़्यादा व्रत उपवास करना आदि कारणों से व्यक्ति कब्जियत के शिकार हो जाता है। अब जानते हैं इसके लक्षण के बारे में। जिनको कब्जियत है उनके मुंह में बदबू आता है, जीवा में मैल होता है, बार बार नाक बहना, भूख न लगना, निरंतर सिर में दर्द का होना, चक्कर आना, और हमेशा पेट भरा भरा सा महसूस होना आदि इसके लक्षण होता है। इसके स्थायी समाधान के लिए कुछ पहल आप खुद से भी कर सकते हैं, जैसे रेशेदार भोजन का सेवन करना, भोजन में अत्यधिक मात्रा में सलाद अथवा हरा ताज़ा फल फूल को शामिल करना, जिनमें दिन में कम से कम 2-3 लीटर पानी का सेवन करना, शारीरिक कार्य तथा नियमित व्यायाम भी आपको कब्जियत से मुक्ति दिलाने में मदद करता है। कहते हैं सभी बीमारियों की जड़ पेट में ही होता है, बात सही भी है। यही साधारण दिखने वाला समस्या बाद में अल्सर और कैंसर में बदल जाता है, इसलिए समय रहते कब्ज से छुटकारा पाना जरूरी है। इसके लिए आपको मदद करता है वेस्टीज उत्पाद, जो आपको कब्ज होने से ही नहीं, कब्ज हो गया हो तो उससे भी मुक्ति दिलाने में आपको मदद करेगा। उसमें से पहला उत्पाद है, पहला प्रोडक्ट है डाइटी फाइबर। वेस्टीज डाइटी फाइबर में चिकरी एक्सट्रैक्ट, मेल्टाडॉक्स्ट्रिन और ग्वारगम्स से निकाला गया उत्तम फाइबर होता है। चिकरी रूट्स में इनुलिन होता है, जिससे फाइबर लेते हैं, और माल्टाडॉक्सिन्स गेहूं से लिया जाता है, और इसमें पाए जाने वाला फाइबर शौच को नरम कर देता है और आसानी से शरीर से बाहर कर देता है, और अक्सर जिसमें ओबेसिटी की समस्या है, जो मोटे लोग होते हैं उनके वजन कम करने में भी वेस्टीज फाइबर मदद करता है।
अनेक लाभ के साथ में वेस्टीज फाइबर आपके सेहत के लिए शानदार है। वैसे ही दूसरा उत्पाद है फ्लैक्स ऑयल। इसमें लैक्सेटिक यानी रेचक के गुण मौजूद होने के कारण कब्ज में ये उपयोगी होता है। वैसा ही भी अधिकांश जिसको कब्जियत होता है उसमें ओबेसिटी भी होता है यानी मोटापा भी होता है, और मोटे लोगों में जिसके अंदर मोटापा होता है और उनके अंदर ब्लड प्रेशर लगाए तो अन्य बहुत सारी समस्या होता है, इसकी वजह से फ्लैक्स ऑयल उनके लिए भी उपयोगी होता है। और तीसरा उत्पाद ले सकते हैं आप एलोवेरा। एलोवेरा में 200 से अधिक ऐसा सक्रिय तत्व विद्यमान होता है और उसके अंदर अत्यधिक मात्रा में फाइबर्स भी मौजूद है। उसके साथ में आपके पेट को शीतलता प्रदान करने वाले गुण भी मौजूद होने की वजह से आप वेस्टीज एलोवेरा का भी प्रयोग कर सकते हैं। और वैसा ही अन्य एक प्रोडक्ट्स है आंवला। आंवला को भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। आंवला आपको पता है विटामिन ए, विटामिन सी अथवा एंटीऑक्सीडेंट के सरताज माना जाता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है और साथ ही इसके अंदर भी लैक्सेटिक्स अथवा रेचक के गुण मौजूद होने की वजह से आप आंवला को भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चर्चा करते हैं इसके सेवन करने के तरीके और मात्रा के बारे में। सॉरी, वेस्टीज फाइबर को खाना खाने से आधा घंटा पहले एक चम्मच फाइबर को 200 ml गुनगुने पानी में अच्छी तरीके से मिलाकर सेवन कर सकते हैं। ध्यान रहे, अगर शीशे के गिलास में अगर इसे खोलते हैं तो फाइबर ठीक तरीके से घुला नहीं घुला आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। जब तक फाइबर की कण दिखाई पड़े तब तक चम्मच से अच्छी तरीके से 3-4 मिनट तक घोल कर जब अच्छी तरह से मिल जाए तब इसे सेवन करना चाहिए। वैसे ही फ्लैक्स ऑयल दिन में 3 बार 1-1 कैप्सूल खाना खाने के बाद आप ले सकते हैं, और एलोवेरा और आंवला को आप एक साथ खाना खाने के बाद 1 या 2 कैप्सूल आप शुरुआत में 1 ले सकते हैं, धीरे धीरे 2 भी ले सकते हैं, अथवा जो आपके ऑफलाइन है, जो आपके एक्सपर्ट है उससे पूछ करके 1 या 2 कैप्सूल प्रतिदिन 2 बार खाना खाने के बाद सवेरे शाम 2 बार ले सकते हैं। ध्यान रहे, किसी भी सप्लीमेंट के सेवन करते समय लगातार पानी पीना बहुत ही जरूरी है। अगर फाइबर ले रहे हैं तो फिर अत्यधिक पानी पीना जरूरी है। अत्यधिक मतलब 2 से 3 लीटर पानी आपको दिन भर में ले लेने चाहिए। अगर आपने पर्याप्त पानी का इस्तेमाल नहीं किया तो जो फाइबर गंदगी को लेकर के बाहर निकलता वही फाइबर आपके मल के साथ चिपक के रह जाता है, क्योंकि फाइबर आपके पेट में जा करके कई गुना वृद्धि हो जाता है। जैसा आप एक पाइप के अंदर अगर उसको अच्छी तरीके से साफ करना हो तो कपड़े लपेट करके उसके अंदर डालते हैं तो निकल जाता है, उसी तरीके से फाइबर पेट के अंदर कहीं गुना वृद्धि हो करके वो आंतों में चिपके मल को लेकर के फिर निकलता है। इसीलिए पानी का पीना अति आवश्यक होता है। तो इस तरीके से आप वेस्टीज के ये बहुत ही उपयोगी उत्पाद के माध्यम से, प्रोडक्ट के माध्यम से आप अपने कब्जियत से छुटकारा पा सकते हैं। फ्रेंड्स, और किसी भी जिज्ञासा और किसी प्रकार के कोई डाउट्स हो तो आप वेस्टीज विजयपत के कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं। और पुनः आपसे रिक्वेस्ट, वेस्टीज विजयपत को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और इस वीडियो को अपने जानने वाले, अपने साथी, अपने रिश्तेदारों के बीच में शेयर करें, क्योंकि आजकल हर व्यक्ति कॉन्स्टिपेशन से परेशान है और निश्चित रूप से आपके एक शेयर उनके जीवन में एक आशा की किरण बन सकता है। बहुत सारी दवाई की साइड इफेक्ट से उनको आप बचा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। विश यू वेल्थ।